अजमेर यात्रा पर आई वसुंधरा राजे ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचकर अकीदत के फूल और चादर पेश की। राजे के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी थे, जिन्हें खादिम अफशान चिश्ती ने जियारत कराकर चुनरी उड़ाई और दस्तारबंदी की। इस मौके पर राजे हुसैन और मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी ने प्रदेश में अमन चैन भाईचारे के साथ भाजपा के कामयाबी के लिए दुआ मांगी। हमारा पहले से ही तय हुआ था कोई चुनाव की वजह से, तो ऐसा मैंने एक परिस्थिति बनी कि ये चुनाव आचार संहिता के बाद होने लगा। पहले से डिसाइडेड था, हमारे मोर्चों के कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड थे और ये अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जब 40-45 हजार आदमी मुसलमान समाज के हमारे साथ पहले जुड़े हैं और आज भी करीबन 786 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं समझती हूँ कि इंटरेस्ट है लोगों का, क्योंकि सब लोग अब समझ गए हैं कि झांसा देने से के सिवाय कांग्रेस और करती नहीं है। 50-55 साल से झांसा देते देते यहाँ तक लाई है, अब बहुत हो गया, अब वो ठोस काम चाहते हैं। देखिए इतिहास दोहरा रहा है, पहले भी पहला सम्मेलन अजमेर में हुआ था, आज भी हुआ है, बड़ी तादाद में अकलियत के लोग आए हैं और राजस्थान में मुस्लिम समाज का भी सपोर्ट वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस से कोई नाराज है तो अकलियत के लोग कांग्रेस से नाराज। तो ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देकर मन्नत मांगकर और फिर वहां से दुआएं लेकर गरीब नवाज की यहां पर सुराज सद्भावना सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और यहां से मुसलमानों को पैगाम मोहब्बत दिया, पैगाम गरीब नवाज दिया और मुस्लिम समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और उनके विकास में उनका पूरा समर्थन करती है। उन्होंने मखमल की चादर पेश की और फूल पेश किए। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे। यहां पर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। विश्व के एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत लहरपुरी की मौत पर राजे ने गहरी संवेदना जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पुष्कर के ग्वालियर घाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पुष्कर और पीसागढ़ मंडल के पदाधिकारियों सहित भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। वसुंधरा राजे को ग्वालियर राजघराने के पुश्तैनी पंडित ने पूजा अर्चना करवाई। राजे ने सिंधिया परिवार के बनाए गए पौराणिक कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजे ने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत लहरपुरी की आत्मा को भगवान शांति दे। उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत वह धार्मिक नगरी पुष्कर से ही करती हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुष्कर उनका सपना है और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को जरूर पूरा किया जाएगा। सबसे पहले तो ये अजमेर आने का जो मौका मिला है मुझे, आप लोग सब जानते हो कि मैं कोई भी ऐसा बड़ा काम बिना पुष्कर के दर्शन किए करती भी नहीं हूँ, इसलिए मौका मिला है, मैं यहाँ आई हूँ। पहले इन सब के दर्शन, अभी अपना घाट का दर्शन किया है, आज वहाँ श्रद्धांजलि भी देते हुए ब्रह्मा जी के दर्शन करके फिर निकल जाऊंगी, ये शुरुआत है। और आपके जो काम माधुर्य पड़े हुए हैं, सरकार अपनी बनती है तो वो तो पूरा होना ही है, क्योंकि अपने बूढ़ा पुष्कर तो एक सपना है जिसको पूरा